सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को तेज करने के साथ ही कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए गए कार्य जनता के बीच उजागर करने मुहिम को लेकर दुर्ग में डिजिटल सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूरे देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, साथ ही कांग्रेस पार्टियों द्वारा किए गए कार्यों का आम जनमानस तक इसकी जानकारियां उपलब्ध कराने अब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के दिशा निर्देश पर डिजिटल व सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर कांग्रेस के पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के राजीव भवन में डिजिटल सदस्यता अभियान का दुर्ग संभागीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे आईटी सेल के पदाधिकारी व कांग्रेसियों का लिस्ट नेताओं ने किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनों तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर बातें कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने कांग्रेस के विशाल मीढ़ा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, महामंत्री पीसीसी चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे। 15 साल तक हम लोग विपक्ष में रहे, हम भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में थे, मोहन मरकाम भी यहाँ बैठे हुए विपक्ष में थे, और लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनेक तरीके से घेरते थे। अब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान और नौजवान पूरी तरीके से त्रस्त थे। किसानों के आत्महत्या के समाचार प्रतिदिन हमको समाचार पत्रों के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से सुनने को मिलते थे, क्योंकि इसलिए मिलते थे कि किसान कर्ज में डूबे हैं, धान में समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। तो जैसे युग में जहां पे सोशल मीडिया, मोबाइल, संचार क्रांति हमारे चुनावी रणनीति को प्रभावित बहुत गहराई से कर रहा है, इस चीज को समझने के लिए और डेटा का क्या महत्व है इस चुनावी रणनीति में, जो तमाम पार्टियां इस तरह से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं क्षेत्रीय दल हो, कहीं ना कहीं लगता है कि वो हम लोगों से ज्यादा तत्परता के साथ वो उस ओर बढ़ रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को कनेक्ट करके चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 महीने रह गए हैं चुनाव। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।